का शब्द स्क्रिप्ट के साथ में आया था और तुक्का फिट बहुत प्यारा है तो हमने वही रखा है। तुक्का फिट की एक बहुत स्पेशल चीज़ है, कॉमेडी फिल्में तो सब बनाते हैं और बहुत सारे लोगों ने बनाई हैं, बट इस फिल्म की खासियत ये है कि इस फिल्म को हमने बिल्कुल हमारे डायरेक्टर शॉन ने और हमारे एडिटर ने ऐसे कट किया है कि बिल्कुल ब्रिटिश फिल्म की कॉमेडी की तरह उसे कट किया गया है, तो वो बिल्कुल भी बॉलीवुड टाइप नहीं लगती है और ये फर्स्ट टाइम इंडिया में किया गया है इस तरह की एक कॉमेडी जो इतनी फास्ट पेस्ड है। मतलब आप सोचिए कि 1.5-2 घंटे में पूरी फिल्म आके निकल जाती है। बहुत आई वुड से कि अपीयरेंस में मैंने बहुत मेहनत की है, मेरे बाल काफ़ी छोटे हैं इस फिल्म में, तो मैंने लुक वाइज जैसे मेरी पहली फिल्म बहुत ही ग्लैमरस थी तो इसमें आई एम वेरी वेरी सटल, वेरी सॉफ्ट, वेरी स्वीट, रोमांटिक, बहुत ही घरेलू लड़की हूँ इस फिल्म में। सी स्टार का सर, अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर्स वॉट एवर स्क्रिप्ट डिमांडेड वी हैव कास्टेड अकॉर्डिंगली। बेसिकली ये जो कहानी है कॉमन लोगों की है कि उनके साथ उन लोग रिएक्शंस कैसे करते हैं जब उनके हाथ बहुत बड़ा जैकपॉट पड़ता है, कि अगर एक रेगुलर आदमी रास्ते में जा रहे है उसके हाथ से आसमान से अगर उसके हाथ में 20 किलो सोना गिर गया तो वो क्या करेगा। सो बेसिकली इट्स अ बेसिक कॉमन मैन्स जर्नी इनटू स्टारडम इंस्टेंटली, जैसे आप कहते हैं। अक्सर किस दिन स्टार कास्ट का क्या है कि माक्ष चक्रवर्ती ऑलरेडी ऑन बोर्ड था, राजपाल यादव ऑन बोर्ड था, आई गॉट अ गुड चांस टू वर्क विथ मुकुल देव, अमित मिस्त्री, मुकेश तिवारी जी, उपासना सिंह। फॉर मी इट्स अ ग्रेट ऑनर टू वर्क विथ सच गुड कॉमेडियंस। हितेन इज़ वन ऑफ द फैंटास्टिक एक्टर्स ऑफ आवर्स एंड क्योंकि इन लोग की वजह से मैं एक अच्छी सी कॉमेडी फिल्म बना सकता था, वरना बहुत इम्पॉसिबल होता है। बस यही किया, मैं उनको विश करना चाहूँगा गुड लक एंड आई होप एवरीथिंग वर्क्स आउट ग्रेट फॉर हिम एंड दिस ईयर शुड बी ग्रेट फॉर हिम, दैट्स व्हाट आई वांट, जस्ट लेट हिम नो। ही इज ब्रिलियंट एक्टर। अब हाल ही में और एक फिल्म कंप्लीट की हमने एनिमी, व्हिच इन व्हिच ही इज वेरी वेरी गुड, बहुत ही टैलेंटेड है। साथ साथ शॉन को भी मैं जानता हूँ, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म की।